अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आए हैं थोड़ा बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग करने। 15 रमज़ान गुजर चुके हैं तो बच्चे घर में बंद रह कर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, और आज यहाँ पर स्कूल हॉलीडेज़ भी शुरू हो गई हैं, तो हमने सोचा बच्चों को कुछ लेकर चलते हैं और उनको कोई एक्टिविटी की चीज़ें दिलाते हैं, क्योंकि आगे रमज़ानों में हम लोग और बिज़ी हो जाएंगे। लास्ट के आखिरी अशरा में इतना बाबरकत अशरा होता है तो उसमें सारी बातें करनी होती हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम इन्हें ले जाते हैं, इनको कोई एक्टिविटीज़ की चीज़ें दिला लाते हैं, थोड़ा बहुत इनके ईद गिफ्ट्स भी देख आते हैं कि इन्होंने क्या लेना है, या इनको ले ही देते हैं। तो हमने सोचा आपको भी साथ लेकर चलते हैं, तो चलें आए आगे चलते हैं। तेजी जी, हमें रिलैक्सेशन स्टेशन नज़र आ गया, $4 में 8 मिनट्स। तो आमिर साहब ने तो कहा कि मुझे तो करना ही है, और ये नई वाली मसाज चेयर्स आई हैं तो इनको तो इन्जॉय करना है। चले ये इन्जॉय करते हैं, हम वेट करते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ये मेरी फेवरेट शॉप है, मुझे खुशबुएं बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर बहुत प्यारी कैंडल्स और एरोमेटिक डिफ्यूज़र्स एंड एवरीथिंग। हर दफ़ा जब भी मैं शॉपिंग सेंटर आती हूँ तो ये मेरा मस्ट विज़िट होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वेरी नाइस। फेवरेट डेस्टिनेशन इज़ हेयर आर फेवरेट के मार्ट। हम आपको बता नहीं सकते कि के मार्ट हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। क्यों आमिर, क्या ख्याल है? है ना, बच्चों के लिए रखता है तो हमारे लिए रखता है के मार्ट। मैंने ऑयल के लिए एक ऑयल जग टाइप चीज़ लेनी थी, तो हमने कहा चले पहले हाउस सेक्शन में चलते हैं, एंड देन लेट्स गो फ्रॉम देयर। अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है, मई में मदर्स डे है, तो ऑलरेडी उसके हवाले से ये छोटे छोटे गिफ्ट सेट्स बन के आ गए हैं। मोस्ट अमेजिंग मॉम, हर माँ खास होती है, माँ जैसा तो कोई होता ही नहीं है ना। अब हम माएँ बने हैं तो समझ आती है कि माँ कितनी खास होती है। लेमन स्क्वीज नहीं थी तो सोचा ये ले लें, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, अलग से हाउ वी गो। था कि मुझे कोई प्रॉपर मिल जाए, बट कोई प्रॉपर मिल नहीं रही, तो ये मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ, एटलीस्ट इट विल डू द जॉब। लेट्स सी, लेके चलते हैं फिर देखते हैं कितनी प्रैक्टिकल रहती है। जाते हैं, मुझे ये देखा तो ये डबल वॉल रीयूजेबल ट्रैवल कप विद इन्फ्यूज़र, तो आगे अब ठंड आ रही है, हमारे पास पाकिस्तान में गर्मी आ रही है, हमारे पास ठंड आ रही है, तो ये मैंने कहा ये कावा वावा के लिए और अमेरिकी कॉफ़ी के लिए अच्छा रहेगा, तो मैंने ये ले लिया। $14 का था, क्वाइट हैंडी। एक चीज़ है जिस पे मेरा दिल आ गया है, बट मैं अब आमिर को दिखाऊंगी तो आमिर कहेगा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। हाँ आमिर, मेरा दिल कर रहा है ये लेने का, सर्दियों में बहुत हैंडी रहेगा, क्या ख्याल है? देखा, मैंने आपको बताया था कि कभी मुझे इस तरह की चीज़ नहीं लेने देता, ये कहता है कि ये बिल्कुल यूज़लेस होती हैं ये चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोजी स्नगली सी ठंड में मज़े मज़े की। बट चलें आगे चलते हैं, अब हम जैसे जैसे टॉय सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैन साहब की फुर्तियाँ आप चेक कर सकते हैं। राइड ऑन की 6वीं मिनी क्वाड बाइक सुलेमान को ईद गिफ्ट देने के लिए, मैं सोच रही हूँ मैं आज ही ले जाती हूँ, क्योंकि ईद से पहले मेरे से आया नहीं जाना है, तो हम जस्ट गोइंग टू बाय इट टुडे इंशाल्लाह। उनका हाइट टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम इसके लिए अकॉर्डिंगली ना बाइक ले सकें, बाइसिकल, जो कि इसका ईद गिफ्ट होगा। आर यू एक्साइटेड फॉर योर ईद गिफ्ट? दुनिया से बेखबर ही अपना लगा हुआ है, ये जा ही जा रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है कि मामा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, बस अब ये ऑन द एडवेंचर निकल गया, बेबीज डे आउट बना लिया इसने। ये आजकल आपने बहुत देखा होगा कोलैप्सिबल स्टूल ना, ये बहुत इंटरनेट पे वो बन रहा है कि बस स्टॉप पे जाओ कहीं भी इसको फोल्ड करके निकाल लो, बड़े इसके फैंसी फैंसी चल रहे हैं। ये देखें ये कहाँ आ गया, मुझे अपने कुकिंग के लिए एक ट्राईपॉड स्टैंड चाहिए, तो मैं इस सेक्शन पे आई हूँ, अल्लाह करे कोई अच्छा सा मिल जाए कुकिंग के लिए। आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, अल्लाह का शुक्र मिल गया यार, आई रियली वांटेड इट। तो अब देखते हैं इसके साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेमान आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने सीख रहा है, तो मैंने सोचा उसके लिए कोई अच्छी सी जूती ले लेती हूँ,
जो उसको सपोर्ट भी करे और सॉफ्ट हो, इजी टू वेयर और मैं आराम से पहना सकूँ, तो बस वही देख रही हूँ। आई थिंक कल ईस्टर है, तो मतलब कल गुड फ्राइडे भी था तो पब्लिक हॉलीडे थी, तो बहुत ही ज़्यादा रश था, तो बस बहुत सारा टाइम लग रहा है आज लाइन में। लेट्स सी, तो रास्ते में देखिए उन्होंने कितनी अट्रैक्टिव चीज़ें रखी हैं कि जाते जाते भी इंसान कुछ ना कुछ लेता वाल जाए। कि हमने फिर ये वाले शूज़ लिए हैं और बड़ा एक्साइटेड है माशाल्लाह, वे पहन के इंशाल्लाह दुआ करें सब वॉक करने लग जाए। ये आमिर ने रोलर लिया है, ये मसल पेन्स के लिए, लेग पेन्स के लिए, बैक पेन्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए अच्छा फन फील्ड डे था, बहुत मज़ा आया। बस फिर हमने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लिया और सलमान के नैपी लिए और हम निकल गए। बस हमने सोचा छोटी सी आउटिंग में, छोटी सी शॉपिंग में आपको भी साथ लेकर चलें। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।